हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एम स्टडी स्मार्ट। तो स्मार्टली स्टडी करने के लिए हम स्टार्ट की कर रहे हैं एक प्लेलिस्ट जो कि बेसिकली बेस्ड है एमपीटेट की जो एग्ज़ाम है वर्ग 3 की, जो कि नेक्स्ट मंथ में स्टार्ट होने वाली है उस पे। सो हम स्टार्ट करते हैं हमारी ये प्लेलिस्ट, एंड इस प्लेलिस्ट में आपको सभी चीज़ें मिल जाएंगी और जो शेड्यूल है वो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। यू कैन गो एंड चेक आउट टेलीग्राम, एंड सारे पीडीएफ्स भी आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे। सो आई होप यू ऑल जॉइन दिस फॉर योर बेटर प्रिपरेशन। अधिगम एंड अर्जन, लर्निंग एंड एक्विशन, हिंदी पैडागोजी का ये फर्स्ट चैप्टर है जो कि हम देखने जा रहे हैं। तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे अलग अलग चीज़ें जो कि रहेगी हिंदी पैडागोजी से रिलेटेड। सबसे पहला है अधिगम का अर्थ एवं परिभाषा। तो सबसे पहले जो हमने अधिगम एवं अर्जन जो टॉपिक लिया है उसमें जो वर्ड अधिगम है उसका मतलब समझेंगे। तो अधिगम का मतलब होता है कुछ सीखना या किसी स्थिति के प्रति हम कुछ सक्रिय प्रतिक्रिया देते हैं, एक्टिव रिस्पॉन्स देते हैं, उसी को हम अधिगम कह सकते हैं। और यह ऐसी प्रक्रिया है या एक ऐसी प्रोसेस है जो लाइफ लॉन्ग चलती रहती है और जिससे हम क्या करते हैं, धीरे धीरे ज्ञान अर्जन करते हैं, मतलब ज्ञान हमको मिलता रहता है, नॉलेज गेन करते जाते हैं। तो ये एक बात हुई। वहीं एक महानुभव हैं, क्या हम कह सकते हैं एक विद्वान हैं जिनका नाम है प्रेसी। उन्होंने क्या कहा है इसके बारे में, तो उन्होंने कहा है कि सीखना हम उस अनुभव को कहते हैं जिसके द्वारा हमारे व्यवहार में परिवर्तन होता है तथा हमारे व्यवहार को नई दिशा मिलती है। तो सीखना जनरली ऐसी चीज़ें कि जिसके ज़रिए हमारे जो पुराने चीज़ें हैं उनमें थोड़ा चेंजेस आए और जो सही है वो चीज़ें उसमें हमारे व्यवहार में आती जाए। तो इसको जनरली उन्होंने कहा है कि सीखना। वहीं अधिगम जो है व्यक्तित्व के हर एक तरह के विकास, ये कह सकते हैं सर्वांगीण विकास के लिए सहायक होता है, हमारी सहायता करता है, क्योंकि जैसे जैसे हमें नॉलेज मिलेगा तो वैसे वैसे हम हर तरह से सोच पाएंगे, सही क्या है गलत क्या है इसमें हम भेद कर पाएंगे। तो एक प्रकार से अगर हम सीखते हैं और हमारे जीवन के लक्ष्यों को प्राप्त करते जाते हैं सीखते सीखते, तो इससे हमारे जो दूसरे विकास हैं वो भी होते जाएंगे। वहीं अगर हम देखते हैं कि कुछ चीज़ें रट कर सीख ली जाती हैं, तो जो रट के सीखा जाता है उसे अधिगम नहीं कहेंगे, क्योंकि कुछ वक्त बाद उस विषय वस्तु को हम भूल जाएंगे। जब और अगर उससे कुछ रिलेटेड कुछ तोड़ मरोड़ के अगर उसी चीज़ से प्रश्न पूछा जाएगा तो हम उसका जवाब नहीं दे पाएंगे। तो रट कर सीखने को कभी भी अधिगम नहीं कहेंगे, क्योंकि इसकी वजह रटने की वजह से ना हम उसमें कुछ परिवर्तन कर पाएंगे, ना उस जो चीज़ है उसका व्यवहारिक में किस तरह से उसका यूज़ करना है ये भी हम नहीं सीख पाएंगे। तो अधिगम का मीन्स क्या समझे हम, कि कोई भी चीज़ को सीखना या किसी भी चीज़ के प्रति सक्रिय प्रतिक्रिया देना, या हम ये कह सकते हैं कि सीखना जो है वो हमें हमारे अनुभव से आता है, हमारे अनुभवों से भी सीखते हैं। तो ये कुछ चीज़ें थी, ये हमने अधिगम का अर्थ देखा और उसकी परिभाषा देखी। नेक्स्ट है अधिगम के प्रकार। तो ये 3 प्रकार के होते हैं, क्रियात्मक अधिगम, शाब्दिक या वाचिक अधिगम, और तीसरा है विचारात्मक अधिगम। तो सबसे पहले हम देखते हैं क्रियात्मक अधिगम। शब्द में ही है क्रियात्मक, मतलब जहाँ क्रिया करके कुछ कर कर हम सीखते हैं, जहाँ क्रियाएं लगे या कुछ वर्क हो तो ऐसी चीज़ों को हम क्रियात्मक अधिगम कहेंगे। वहीं अगर हम शब्दों के द्वारा सीखेंगे तो शाब्दिक, और अगर हम विचारों के द्वारा, अनुभवों के द्वारा, या हमें कुछ करा हमने जैसे कोई काम किया और हमें उसके बाद में ऐसा अनुभव हुआ कि अगर इस काम को हम जो हमने प्रोसेस किए इसकी जगह इसमें हम ये चेंजेस करते तो शायद और अच्छे से होता, तो ये हमने उस कार्य पर विचार किए। तो जब हम विचार करते हैं और फिर हमारी क्षमताओं को बढ़ाते हैं तो इसे विचारात्मक अधिगम कहते हैं। वहीं हम फिर से क्रियात्मक को देखते हैं, अगर हम इसका एग्जांपल लें तो बाल्यावस्था में बच्चे
शुरुआत में तो उन्हें कुछ नहीं आता, तो वो सीखते कैसे हैं? तो उन चीज़ों को पहचानना सीखते हैं, समझना सीखते हैं, खड़े होकर देखते हैं, मतलब हर एक चीज़, हर एक प्रयास वो करके देखते हैं। तो जो जो कार्य वो करके देख रहे हैं और कर कर के सीख रहे हैं, उसी को हम कहेंगे क्रियात्मक। वहीं हम शाब्दिक देखें तो जैसे कि अगर हम संकेतों, चित्रों, शब्दों, अंकों, ऐसी चीज़ों के माध्यम से कुछ सीखते हैं तो उसे हम शाब्दिक कहते हैं। और ये शाब्दिक दोनों प्रकार का होता है, सार्थक भी होता है, निरर्थक भी होता है। और इसमें धीरे धीरे पहले सरल समस्याओं को हम देखते हैं, उसके बाद धीरे धीरे कठिन समस्याओं पर जाते हैं, और इस तरह से वैज्ञानिक आविष्कार जो होते हैं, इस प्रकार से हम छोटी छोटी चीज़ों से ज़्यादा जटिल चीज़ों तक पहुँचते हैं। और शब्दों के द्वारा और अंकों के द्वारा, चित्रों के द्वारा, संकेतों के द्वारा सीखते हैं, तो इसे हम शाब्दिक कहेंगे। विचारात्मक में आपको वही किसी भी चीज़ पर या शारीरिक क्षमताओं और मानसिक क्षमताओं दोनों का उपयोग कर कर कोई नई चीज़ क्रिएट करना, उसी को विचारात्मक अधिगम कहते हैं। नेक्स्ट है भाषा अधिगम और भाषा अर्जन, और यही हम बच्चों की भाषा सीखने की क्षमता भी कह सकते हैं, या यहाँ पे हम ग्रहणशीलता भी देखेंगे। तो ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। सबसे पहले भाषा से क्या तात्पर्य होता है, भाषा का मतलब क्या होता है, क्या समझते हैं आप भाषा से? तो एक ये सांकेतिक साधन है ताकि हम अपने विचार सामने वाले को दे सकें और सामने वाले की विचार हम समझ सकें। वैसे ही अब हम यहाँ पे स्कूल की बात कर रहे हैं, बच्चों की बात कर रहे हैं, तो भाषा वह होना चाहिए, वह साधन है जिसके माध्यम से हम अपने विचारों को बालकों तक पहुँचाते हैं, और बालकों के जो विचार हैं वो हम समझ पाते हैं, उनके भावों को समझ पाते हैं। अब भाषाई योग्यता के अंतर्गत भिन्न भिन्न चीज़ें आती हैं, जैसे कि मौखिक अभिव्यक्ति, सांकेतिक अभिव्यक्ति, लिखित अभिव्यक्ति, तीन प्रकार की अभिव्यक्ति इसके अंतर्गत आती हैं। अब मनुष्य अपने विचारों को अभिव्यक्त करने और अपने समाज के साथ सामंजस्य स्थापित करने, मतलब उनसे मेल जोल बढ़ाने, इस प्रक्रिया के लिए वो क्या करता है, अपनी भाषिक क्षमता का उसका धीरे धीरे विकास होता जाता है। मतलब वो जिस प्रकार से अपने समाज वालों से किस तरीके से और अच्छे से मिले, अगर कोई इंसिडेंट ऐसा हो जाता है कि हम किसी समाज में किसी व्यक्ति से मिले और कुछ खटास पड़ गई या कुछ थोड़ी सी लड़ाई हो गई, तो हम नेक्स्ट टाइम सोच के जाते हैं कि इस बार इस वजह से ये गलती हुई थी, नेक्स्टली हमें ये गलती नहीं करनी। तो हम अपने विचार में, अपने शब्दों पे और हमारे हर एक भाषा पे, भाषा के शब्दों पर भाषा को किस प्रकार से अभिव्यक्त करना है, ये सब अपन फिर से इसको सोच के और नए तरीके से करना सीखते हैं, उसमें सुधार करते हैं, तो ये सारी चीज़ें आती है, इससे हमारा विकास ही होता है, और इसी को हम भाषा अधिगम भी कहते हैं। ठीक है, तो इसका और अधिगम, भाषा अधिगम का एक और मतलब हम बोल सकते हैं कि जो भाषा हमने ग्रहण की है उसको प्रक्रिया में लाएं, उसको जैसी कंडीशन है उसके हिसाब से यूज़ कर पाएं। ठीक है, और हमारी जो जीवन में प्रयोग करने वाले अलग अलग जो सिचुएशंस आती हैं, कंडीशंस आती हैं, तब कौन से शब्दों का यूज़ किया जाए, कौन से शब्दों का यूज़ ना किया जाए, तो ये सब देखना ही क्या कहलाता है, भाषा अधिगम। देन है भाषा का अर्जन या अनुकरण, सॉरी भाषा का जो अर्जन, नेक्स्ट वर्ड है, भाषा अधिगम तुमने समझ लिया, अब भाषा अर्जन। तो भाषा अर्जन एक्चुअली में अनुकरण करना होता है, किसी भी चीज़ का अनुकरण। जैसे बच्चे जो हैं, बालक जो होते हैं, छोटे बच्चे, वो जिस प्रकार से लोगों को बोलते हुए सीखते हैं वैसे कि वैसे बोलते हैं, मतलब उन्होंने क्या करा, बस उन्हें कॉपी कर लिया। तो एक तरीके से भाषा का अर्जन मतलब अनुकरण करना, वैसे कि वैसे जैसे सुनते हैं बच्चों को बोलते हैं, दूसरे लोगों को बोलते सुनते हैं वैसे कि वैसे बोलना, जैसे लिखते हुए देखेंगे वैसे वैसे लिखना। तो ये क्या होता है, ऐसे अनुकरण से ही धीरे धीरे बच्चा सीखते जाता है, उसके प्रयास सफल होते हैं और वो अच्छे से भाषा बोलना शुरू कर देता है। तो ये थी एक बात। नेक्स्ट है भाषा अधिगम और भाषा अंतरण के संदर्भ में कुछ विद्वान हैं जिनके अलग अलग विचार हैं, जैसे कि
चॉम्स्की देखें तो चॉम्स्की ने क्या कहा है, भाषा सीखे जाने के क्रम में वैज्ञानिक खोज भी साथ साथ चलती रहती है। इस अवधारणा के आंकड़ों का अवलोकन, वर्गीकरण, संकल्पना, निर्माण व उनका सत्यापन अथवा असत्यता और इस धारणा का शिक्षा शास्त्र के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान लिया जा सकता है। चॉम्स्की ने अपने रिव्यू ऑफ स्किनर्स वर्बल बिहेवियर द्वारा अपने मत को स्पष्ट करते हुए कहा कि बच्चों में भाषिक क्षमता जन्मजात होती है। मतलब अगर उनको पहले से कुछ चीज़ नहीं पता होगी तो वो कैसे सीखेंगे, इस प्रकार से चॉम्स्की ने कहा। वहीं जो हमारे वाइगोत्स्की थे उनके अनुसार बच्चे की भाषा समाज के साथ संपर्क का ही परिणाम है। मतलब वो जिस प्रकार से संपर्क करता है, जिस प्रकार के लोगों में रहता है, वही वो सीखता है। और बच्चा अपनी भाषा का भाषा के विकास के दौरान दो प्रकार की बोली बोलता है, पहली आत्म केंद्रित और दूसरी सामाजिक। तो दो प्रकार की भाषाएं बच्चा यूज़ करता है। आत्मोन्मुख भाषा के माध्यम से बालक स्वयं से संवाद करता है, जबकि सामाजिक भाषा के माध्यम से वह शेष सारी दुनिया से संवाद स्थापित करता है। मतलब जब वो खुद अकेले में रहेगा तो वो अलग भाषा का प्रयोग करेगा, वहीं बाहर समाज में जाएगा तो अलग प्रकार की भाषा का उपयोग करेगा। ये कहा है वाइगोत्स्की जी ने। नेक्स्ट है भाषा अधिगम और भाषा अर्जन को प्रभावित करने वाले कारक। तो ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जिसकी वजह से ये प्रभावित होते हैं। सबसे पहला है सामाजिक परिवेश। तो हमारे जो प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक है वाइगोत्स्की, उन्होंने ही कहा है कि व्यक्ति की भाषा जो है उसके समाज के साथ संपर्क का परिणाम होती है। तो अब हम जैसे समाज में रहेंगे वैसी ही हमारी क्या हो जाएगी, भाषा हो जाएगी। तो भाषा किस बात पर निर्भर कर रही है कि हम कैसी जगह पर रह रहे हैं। इसीलिए कुछ जगह कुछ लोग शुद्ध भाषा यूज़ करते हैं, कुछ अशुद्ध यूज़ करते हैं, कहीं असभ्य कहीं सभ्य। अलग अलग जो भाषाएं हैं जो यूज़ होती हैं वो उनके सामाजिक परिवेश की वजह। नेक्स्ट है भाषा अर्जन की इच्छा। अब व्यक्ति अपनी प्रथम भाषा मतलब मातृभाषा तो सहज रूप से सीख लेता है, अब उसमें अगर उसको कुछ चेंज करना है या उसे कुछ लगता है कि मैं गलत पढ़ रहा हूँ, या उसको जब तक खुद से इच्छा नहीं होगी, खुद से वो आकलन नहीं करेगा, तब तक वो चीज़ को चेंज नहीं करेगा। जो द्वितीय भाषा होती है, तृतीय भाषा, या आप आगे और कोई सी भाषा सीखना चाहते हैं तो वो केवल और केवल डिपेंड करेगा आपकी इच्छा पर। नेक्स्ट है दैनिक जीवन के अनुभव। तो अब कोई भी व्यक्ति हो या बालक हो, दैनिक जीवन में उसके अनुभव तो अलग अलग होते ही हैं। हर दिन उसे अलग अलग चीज़ें देखने को मिलती हैं और उनसे वो कुछ ना कुछ सीखता है, समझता है, और इसी प्रकार से हमारे अनुभव के हिसाब से भी हमारे भाषा में कुछ ना कुछ चेंजेस आते रहते हैं। अब देखते हैं बालकों में भाषा का विकास कैसे होता है। तो ये दो अवस्थाओं में होता है, एक प्रारंभिक अवस्था और एक होती है वास्तविक अवस्था। तो पहले हम देखते हैं प्रारंभिक अवस्था, और ये अवस्थाएँ, इन अवस्थाओं को भाषा विकास के चरण भी कह सकते हैं और अवस्थाएं भी कह सकते हैं। तो सबसे पहले चरण में क्या होता है कि बालक जन्म के साथ रोता है, चिल्लाता है, अलग अलग चेष्टाएं करता है, अलग अलग ध्वनियां निकालने की कोशिश करता है। तो ये सारी जो ध्वनियां हैं वो स्वाभाविक होती है, स्वचलित होती है या नैसर्गिक होती है, सीखना नहीं पड़ता है, ये अपने आप बच्चे में होता है। वो मतलब नेचुरली वो ये सारी चीज़ें करता है। उसके बाद धीरे धीरे बालक थोड़ा बड़ा होता है तो बड़बड़ाना शुरू करता है, उसकी जो चेष्टाएं हैं वो चेंज होती हैं। अब बड़बड़ाने के माध्यम से वो क्या करता है, जो आसपास के व्यक्ति बोल रहे हैं उन शब्दों को वो समझने की कोशिश करता है। वो शब्द तो नहीं बोलता अपितु उसमें जो ध्वनियाँ निकल रही है ध्वनियों को समझने की कोशिश करता है पहले। वो तो सबसे पहले वो स्वरों को समझता है, वो ध्वनियाँ बड़बड़ाता है, उसके बाद वो व्यंजनों की ध्वनियों को बड़बड़ाता है। तो इस प्रकार से वो स्वर और व्यंजन धीरे धीरे सीखता है। उसके बाद वो हाव भाव भी सीखता है कि और धीरे धीरे क्या होता है, वो हाव भाव से भी बहुत सारे शब्द समझने लग जाता है कि अच्छा ये शब्द बोलते हुए ये हाव भाव होते हैं। तो वो सिर्फ हाव भाव देख के भी उन चीज़ों को समझ पाता है कि सामने वाला व्यक्ति क्या कह रहा है। नेक्स्ट है भाषा विकास की वास्तविक अवस्था, या कह सकते हैं भाषा सीखना। तो प्रारंभिक अवस्था को भाषा सीखने की तैयारी की अवस्था कहा जा सकता है, और इस अवस्था से गुजरने के बाद बालकों में
क्या होता है, जो हमने इसके पहले देखी प्रारंभिक अवस्था, उसको क्या बोलेंगे हम, इनिशिएशन मतलब स्टार्टिंग, ठीक है। उसके बाद वास्तविक में भाषा का विकास की प्रक्रिया शुरू होती है, और फिर क्या होता है, जैसे ही बच्चा एक वर्ष का हो जाता है या एक दो माह पहले ही बोल सकते हैं, एक वर्ष में एक दो माह बच्चे हैं, तभी से बच्चा बहुत सारे शब्दों को सीख जाता है, वो मौखिक अभिव्यक्ति का उसमें विकास होने लग जाता है, वह शब्दों वाक्यों फिर उनसे बने हुए कुछ शब्द, इस प्रकार से भाषा बोलने लग जाता है, वो समझने भी लग जाता है, उसके शब्द भंडार की वृद्धि होती है, मौखिक अभिव्यक्ति के विभिन्न साधनों पर उसका अधिकार होने लग जाता है, उसकी कुशलताओं की वृद्धि होती है। तो ये सब चीज़ें सबसे पहले होती है। फिर जैसे ही वो 5 वर्ष का हुआ, विद्यालय में प्रवेश करता है, अब विद्यालय में क्या होता है, उसने जो शब्द सीखे हैं वो तो ठीक ही है, अब वो बाहर जाके दूसरे और कई लोगों से मिलता है, तो उसके जो शब्द हैं वो उसे और ज़्यादा शब्द सीखने को मिलते हैं जैसे ही वो विद्यालय में जाता है, और साथ में लिखित कार्य भी स्कूल्स में कराया जाता है, तो इस प्रकार से उसका लिखित भाषा का कार्य भी मतलब लिखित भाषा की शिक्षा ग्रहण करना भी वो शुरू कर देता है, और उसके जो विकास है उसमें कुशलताएं आने लग जाती हैं। तो इस प्रकार से वो मौखिक के साथ साथ लिखित कौशल में कौशलों में भी अर्जन होता है, और धीरे धीरे उसका विकास होता है। अब हम देखते हैं शब्द भंडार का विकास, कि किस प्रकार से बच्चों में शब्द भंडार होते जाते हैं। तो ये हम चेक करने के लिए हमने यहाँ पे एक ये तालिका है, इससे हम और अच्छे से समझ सकते हैं कि जन्म से 8 माह तक तो बच्चों को कुछ कोई भी शब्द नहीं समझ आता, उसके बाद वो धीरे धीरे सामने वाले को या अपने आसपास के लोगों को समझना शुरू कर देते हैं, और कम से कम 3 से 4 शब्द वो 12 माह तक सीख जाते हैं, और जब वो 1.5 साल का होता है तब तक 10 से 12 शब्द सीखते हैं। 2 वर्ष आते आते 272, 2.5 वर्ष के होते होते 450, वहीं जैसे हमने कहा 5 वर्ष का बच्चा जो होता है वो स्कूल जाने लग जाता है, तो घर पे रहते रहते ही वो 1600 शब्द सीख जाता है, और स्कूल जाने के बाद उसके शब्दों में लगातार इंक्रीज ही होते हैं, और इस प्रकार से उसके 8000 शब्द, 1 लाख शब्द और उससे अधिक शब्द वो 16 वर्ष तक सीख जाता है। तो इस प्रकार से जो बच्चों के शब्दकोश है और जो है वो बढ़ता जाता है, लेकिन सबसे पहली बात ये है कि इसका जो दायरा है, सबसे पहले माँ बाप और परिवार, उसके आसपास का वातावरण, यहाँ पर सीमित रहता है। फिर जैसे ही वो 5 वर्ष के बाद स्कूल जाता है तो उसका शब्द भंडार एकदम से ज़्यादा इंक्रीज होता है, क्योंकि वो बाहर के लोगों से भी इंटरेक्ट करता है, स्कूल जाता है, इसलिए उसमें बाद में 4 वर्ष के बाद एकदम तेज़ी से उसके शब्द भंडार में का विकास होता है। सो ये था कंप्लीट चैप्टर नंबर 1, अधिगम एवं अर्जन। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इसी तरह बने रहिए और ज़्यादा कंटेंट्स के लिए टीचिंग एग्ज़ाम्स जैसे कि वर्क 3, सीटेट, एमपीटेट, सभी से जुड़ी हुई आपको इन्फॉर्मेशन इस पर मिलती रहेगी। सो स्टे कनेक्टेड, स्टे सेफ।